I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. बाप रे, इतना बड़ा झूठ बक गई? आप मेरी माँ से बढ़कर हैं। आप तो मुझे बरसों से जानती हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं क्या कोई भी डॉक्टर ऐसा कर सकता है? इसीलिए तो मैं हैरान हो रही थी कि ये मैं आपके कहने पर शादी के लिए राजी हुआ था। हाँ। देख लिया आपने आजकल की लड़कियों? आजकल की लड़कियों का क्या मतलब? मैं भी तो आजकल की लड़की हूँ। क्या मैं क्या मैं क्या तू भी उसकी बातों में आई कि नहीं? तुझे भरोसा था अपने भाई पर? मौसी, कल्पना वही लड़की जो तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। एक काम कीजिए, सुनिए, आप आ जाइए और मुझे किसी दूसरे नाम से बुलाइए, फिर आपको पता लग जाएगा कि इस लड़की ने मुझे जिंदगी में कभी देखा भी है या नहीं। आप जाकर देख लीजिए। आ बेटिया, माँ ने आपके लिए भेजी है। अच्छा, अरे निर्मल जरा बाहर तो आ। ये निर्मल कौन है मौसी? मेरा भांजा है, दिल्ली से आया अभी अभी। अच्छा अच्छा, आ इधर आ, इनसे मिल। ये है मेरी सहेली की बेटी कल्पना। नमस्ते। नमस्ते। आपको तो कभी देखा नहीं, पहली बार आए हैं क्या यहाँ? जी हाँ, एक बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं आप? जी तेल बेचता हूँ। तेल बेचते हैं? आपकी सूरत से तो नहीं लगता है कि आप तेल बेचते हैं। सूरत पे मत जाइए। क्या नाम बताया? जी कल्पना। हाँ, सूरत पे मत जाइए कल्पना जी। अच्छा खासा फूल देखने में कभी लगता है कि इसमें गंदे कीड़े मकोड़े घूमते हो। अरे वाह, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। फिर भी आप ये तेल वेल बेचना छोड़ दीजिए, मैं तो कहती हूँ आप मॉडलिंग शुरू कर दीजिए। मशवरे के लिए शुक्रिया। अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ, मैच पे जाना है। आपसे फिर मुलाकात होगी? जी नहीं, ये सौभाग्य तो नहीं होगा। मैं आज ही जा रहा हूँ, जिस काम के लिए आया था वो हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मौसी, अच्छा बाय सीमा। देख लिया? उमा, ये लड़की तो पेट में दाढ़ी रखती है। मैं नहीं छोड़ूंगी, इस बात की शिकायत तुम्हें जरूर करूंगी। सच्चाई के लिए मैं अपना देश कुर्बान कर सकता हूँ। सच्चाई के लिए मैं अपना देश कुर्बान कर सकता हूँ। हाँ, गांधी जी ने कहा कि सच्चाई के लिए मैं अपना देश कुर्बान कर सकता हूँ। सच्चाई के लिए मैं... तू जरा बाहर जा। तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। क्यों, मैंने क्या किया? उस डॉक्टर के बारे में तूने माँ से जो कुछ बताया, माँ ने मौसी को जाके बताया, मौसी से मैं सुन के आ रहा हूँ। तुम मौसी कितना ख्याल रखती है हम लोगों का, और वो डॉक्टर तो मौसी के बेटे जैसा है, और उसी के बारे में तूने जाके ऐसा वैसा कह दिया। सब मुझे ऐसे समझते, सब गलत समझते। झूठ बोल के किसका भला किया तुम? दीदी का दिल ना टूट जाए इसलिए मैंने अपनी टांग तोड़ ली। दीदी का दिल? दीदी किसी और से प्यार करती है। दीदी यानी अल्पना प्यार करती है? हाँ प्यार करती है, और मालूम है वो रो रही थी कि अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो वो आत्महत्या कर लेगी, और वो लड़का भी आत्महत्या कर लेगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। अगर दीदी आत्महत्या कर लेती तो क्या अच्छा होता? पता, सच सच पता, अल्पना किससे प्यार करती है? कौन है वो लड़का? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं पता करके बताऊंगी। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कमलनाथ जी, कि अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं उसे रसिक से ब्याह कर अपने आप को खुश नसीब समझता। वैसे उसे बुलाया है, आप खुद ही मिल लीजिए। हाँ, लेकिन उन्हें यह मत बताइए कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। अरे नहीं साहब, मैं बाहर चला जाता हूँ, आप खुद ही उनसे बातचीत कर लीजिए। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे भाई पुलिस से कोई आया तो उनसे कोई बात करनी है। अरे कहाँ जा रहे हो? लेकिन पुलिस को मुझसे क्या काम? अरे भाई अंदर जाओ, खुद ही जाके पता कर लो। जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग सर, मैं जानता हूँ कि मुझसे गल्ती होगी, मैं स्कूटर लेके नो एंट्री में घुस गया, लेकिन मैं नो एंट्री का बोर्ड पढ़ नहीं पाया सर, क्योंकि नो एंट्री के बोर्ड पर कुली का पोस्टर चिपका हुआ था। बैठिए। मैं सर? आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? बैठिए जी। वो खाकी कलर देखकर मैं नर्वस हो जाता हूँ। पुलिस की वर्दी हो, आर्मी की वर्दी हो, या बस कंडक्टर की वर्दी हो। आपका नाम? रसिकलाल, रसिकलाल शर्मा सर। अल्पना को जानते हैं आप? कौन सर?
अल्पना, वो लंबी पतली ऊंची सी, बड़ी बड़ी आंखें, हाँ राजीव ट्रैवल एजेंसी में काम करती है, हाँ हाँ वही, जानते हैं कि नहीं? नहीं सर, मैंने उसे जिंदगी में देखा तक नहीं, लेकिन मैं करुणा मैं को जानता हूँ। करुणा मैं? कौन करुणा मैं? आप नहीं जानते, मेरी माँ सर। मैंने जिंदगी में मेरी माँ के अलावा किसी औरत की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं सर। रसिकलाल जी, पुलिस के सामने झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपको मालूम पड़ गया सर। सर बात यह है कि मैं पुलिस को जब देखता हूँ तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, मैं कहना कुछ चाहता हूँ और कह कुछ जाता हूँ सर, लेकिन आप। मैं अल्पना के भाई का दोस्त हूँ, आप जानते हैं वो भी पुलिस अफसर हैं, और उन्हें यह पता चल गया है कि आप अल्पना से प्यार करते हैं। अब बेहतर यही होगा कि आप सीधे जाके अल्पना के भाई से मिल लीजिए। ये नामुमकिन है सर। क्यों? मैंने सुना है कि आपके दोस्त यानी अल्पना के भाई बहुत ही कड़क पुलिस इंस्पेक्टर है। हाँ कड़क तो है, पहले ही दो चार झापड़ मार देते हैं फिर पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन आप डरिए मत, मैं उनसे कह दूंगा कि पहले पूछताछ करें फिर झापड़ लगाएं। झापड़? नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आप पहुंच जाइए। आप भरोसा दे रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हो सके तो मैं भी आ जाऊंगा वहां, लेकिन आप सुबह ठीक 8 बजे पहुंच जाइए। ठीक है सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। हाँ ठीक है ठीक है। सर एक बात कहूँ, आपके दिल में इतनी करुणा और दया माया है, आपको पुलिस वालों ने ले कैसे लिया? आपको तो रेड क्रॉस में नर्स होना चाहिए था सर। अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन सर आप कल सुबह वहां पे आइएगा जरूर। जी अच्छा चलता हूँ। ओके जय हिंद सर। एए, अभी तक सोई कल्पना? आज जॉगिंग के लिए मत जाना, इसे देखने के लिए कोई लड़का आ रहा है। क्या? दीदी को देखने के लिए लड़का? हाँ इसकी शादी की बात मैंने पक्की कर दी है। अरे लेकिन भैया वो। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बड़ा भाई हूँ उसका, कोई दुश्मन नहीं हूँ। किसके साथ सुखी रहेगी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, लड़के की देखभाल ठीक से करना। ये सब क्या हो गया कल्पना? तू तो कह रही थी भैया को सब कुछ मालूम है। दीदी आज पता चला कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता, मगर तू तो मेरी अपनी है ना, तुझे तो सब कुछ मालूम है कि मैं और रसिक एक रास्ता है। क्या? दीदी तेरे पास 2 रुपए छुटे हैं क्या? 2 रुपए? टॉफी खरीदना है। टॉफी? तेरे को दुश्मन भगाना है कि नहीं भगाना है? हाँ तो जल्दी देना, मेरे पास टाइम ही है। हाँ, देती हूँ देती हूँ जल्दी। थोड़ा सा रह गया। चुक्कू? कौन? चुक्कू बाबा। अरे कल्पना तुम इतनी सुबह सुबह? आंटी चुक्कू होले। आंटी कल रात को मैंने एक सपना देखा, सपने में मैंने देखा कि चुक्कू मुझे ऐसे जोर से पकड़ के मुझे कह रहा है आंटी मुझे घुमाने ले चलो ना। तो मैंने कहा, मतलब सपने में कहा कि नहीं बेटे मैं तुमको शाम को घुमाने ले चलूंगी, तो कल रात आप भी ले चलो ना। आंटी मैं टुक्कू को थोड़ी देर के लिए घुमा ले चलो। हाँ क्यों नहीं, इसलिए मैं सुबह सुबह आपके पास चली आई। चलो। अरे बाप रे बाप कितना बड़ा हो गया। चलो बाबा। हाँ तो बोलो बेटे, जो तुमसे कहा था ना, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? अल्पना दीदी। अल्पना दीदी ने बेटे, सिर्फ अल्पना। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है बोलो? सिर्फ अल्पना। सिर्फ अल्पना। अल्पना 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 अल्पना। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? 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 अल्पना। अरे वाह। ये लो भैया, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आइए ना। क्या देना बेटे? अल्पना आइए। नमस्कार। नमस्कार, आप क्या चंदा मांगने आए हैं? जी नहीं, नहीं? चंदा मांगने नहीं आया, मैं तो माजी से मिलने आया हूँ। माजी से? जी। किसकी माजी से? अपनी माजी से, यानी अपनी का मतलब मेरी माजी से नहीं, क्योंकि उनका तो स्वर्गवास हो गया 10 साल पहले। मेरी होने वाली सास से। सास भी तो माँ समान होती है ना,
आपका नाम? जी मेरा नाम कल्पना है। आप अल्पना की छोटी बहन होंगी जरूर। जी हाँ। वो अल्पना से मेरी शादी की बात चल रही है ना। अच्छा अच्छा, अरे वाह, लीजिए इसी बात पे आप भी मुंह मीठा कीजिए, आइए बैठिए ना, आइए। कितनी खुशी की बात है कि दीदी फिर से शादी कर मतलब आपको तो मालूम ही होगा, दीदी की एक बार पहले भी शादी हो चुकी है, करीब 6 साल पहले, मगर उसे शादी थोड़ी ना कहा जा सकता है। वो तो एक बहुत बड़ा भयंकर सपना था, अब उस बात को भूल ही जाए तो अच्छा है। मैंने भी दीदी को कितनी बार समझाया कि दीदी इतनी छोटी उम्र में इतनी लंबी जिंदगी दो दो बच्चों को लेकर के कैसे बिताओगी। अल्पना के दो बच्चे हैं? हाँ, क्यों? 39 कार्टर रोड यही है। अरे आप बिल्कुल सही पते पर आए हैं, आप खड़े करेंगे, बैठी तो बैठे ना। बैठ गए। बेटू तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? अल्पना। हाँ ये बड़ा है, इसका नाम है टुकाई, और छोटे को ना हम प्यार से छुटकाई बोलते हैं। टुकु बेटे चलो तुम अपने नए पापा को ना अंदर ले चलो, चले चले चलो। आइए। ठीक है ठीक है बेटे, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, जाओ जाओ अंदर जाके अपने छोटे भाई को ये टॉफी दे दो, जाओ 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 जाओ। अच्छा मैं चलता। अरे अरे आप घबरा क्यों रहे हैं, ब्रिगेडियर थापा आज आए नहीं है। ब्रिगेडियर थापा कौन? ब्रिगेडियर थापा वही दीदी के एक्स हस्बैंड। तो जरूरत से ज्यादा ही गुस्से वाले हैं, डिवोर्स हो भी गया फिर भी बच्चों को देखने चले आते हैं। दीदी को धमकाते रहते हैं कि अगर तुमने किसी और के साथ शादी की तो मैं उस आदमी को गोली से उड़ा दूंगा। भरी पिस्तौल को हमेशा अपने पास ही रखते हैं, गोली से उड़ा देंगे, बात करते हैं जैसे इस देश में कोई कायदा कानून है ही नहीं। लेकिन आप घबराइए मत, अगर ब्रिगेडियर थापा ने आपका खून कर भी दिया तो मैं उस आदमी को फांसी के फंदे तक लटकाए बिना चैन की सांस ले लूंगी। मेरा नाम भी कल्पना है। कल्पना आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं बच्चों के लिए खिलौना लेके आता हूँ। खिलौना? जी हाँ मैं आता हूँ जी। आइएगा जरूर। जी मैं आता हूँ। आइएगा जरूर। क्या हुआ, तबीयत खराब है? तबीयत को मारो गोली। पहले ये बताओ टुकाई तुमको बहुत चाहता है ना? अरे तुम टुकाई को कैसे जानते हो? वो मैं बाद में बताऊंगा, ये बताओ टुकाई तुमको बहुत चाहता है या नहीं? हाँ बहुत, माँ की तरह। सो तो है, खून का रिश्ता है ना? खून का रिश्ता? देखो अरुणा, अब मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। मैं ये भी जानता हूँ कि ब्रिगेडियर थापा से तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है। क्या अनशन बक रही हो? मैं अनशन नहीं बक रहा, मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी बहन कल्पना ने मुझे सब कुछ बता दिया। हाय भगवान, सुबह तुम आए थे? हाँ। वो तो मैंने ही कल्पना से कहा था कि कुछ भी झूठ बोल बाल के आने वाले को चलता कर, जल्दी से फोन उठा और बोलो कि आज सुबह नहीं आ सके, शाम को आओगे। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।